हाय एवरीवन, मैं सपना लोढ़ा, वेलकम टू सपनास फूड बार। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे द मोस्ट पॉपुलर केक पिनाटा केक। ये केक बहुत ही पॉपुलर है और अभी ट्रेंड में है, और न्यू ईयर भी नज़दीक आ रहा है, तो इसी ओकेजन पर जल्दी से बनाते हैं पिनाटा केक। सबसे पहले पिनाटा केक के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये वाइट कंपाउंड ले लिया है, मार्केट में ऐसे ये मोरडे के तीन कंपाउंड मिलते हैं, जहाँ इसमें डार्क, मिल्क एंड वाइट कंपाउंड, ये तीनों में से आप कोई भी कंपाउंड यूज़ करके ये पिनाटा केक बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ वाइट कंपाउंड ले लिया है। इसके बाद इस केक में फिल करने के लिए जो केक लगते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ दो कपकेक लिए हैं, कुछ चॉकलेट कैडबरीज लिए हैं और दो फरेरो रोशर के चॉकलेट लिए हैं, और गार्निशिंग के लिए ये एडिबल स्प्रिंकलर्स है, तो इसको मैंने ले लिया है। इसी के साथ मैंने ये पिनाटा केक मोल्ड लिया है, ये सिलिकॉन मोल्ड है और ये बड़ी आसानी से आपको मार्केट में किसी भी केक मटेरियल शॉप में मिल जाता है। और केक ब्रेक करने के लिए जो हैमर मिलता है, ये हैमर मैंने लिया है। और पिनाटा केक गार्निश करने के लिए ये मैंने यहाँ सैटिन की रिबन ली है, या कोई भी आपके पास लेस हो तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो इस बाउल को हम इसमें रखेंगे और इसको मेल्ट करके लेंगे। इसे हमें लगातार हिलाते हुए मेल्ट करना है, और मेल्ट करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसमें पानी की बूंद बिल्कुल भी ना जाए। आप इसे माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप इसे 30 सेकेंड, वापिस से 30 सेकेंड, यानी कुल 1 मिनट के लिए आप इसे माइक्रो करके ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसे हम और थोड़ी देर तक चलाते हुए अच्छे से मेल्ट करके लेंगे। चॉकलेट हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो इससे हम अभी पिनाटा केक का जो शेल होता है वो बना के लेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये सिलिकॉन का मोल्ड लिया है। आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप ऐसे जो घर में प्लास्टिक के बाउल मिलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसे बटर लगा के लेना है, और इसके बाद इसे टिश्यू पेपर से वाइप आउट करके लेना है। यहाँ पे हम अभी इस मोल्ड में चॉकलेट को पोर करेंगे। इसे अच्छे से हमें स्प्रेड करके लेना है। अब चम्मच की मदद से या इसे ब्रश की मदद से इसे अच्छे से लगा के स्प्रेड करना है। सिलिकॉन मोल्ड लेने की वजह से चॉकलेट का ये जो शेल है ये शाइनी बनेगा। हमें इसे अच्छे से स्प्रेड करना है, स्पेशली जो इसके एजेस हैं उसे हमें अच्छे से स्प्रेड करके लेना है। और ये प्रोसीजर हम 2 से 3 बार करेंगे। आप देख सकते हैं चॉकलेट हमारी अच्छे अच्छे से स्प्रेड हो रही है। मोल्ड में सभी जगह से चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड हो गई है। जो बाकी चॉकलेट बची है तो हम इसे निकाल लेते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने 10 मिनट के बाद ये फ्रीज में से मोल्ड निकाल लिया है, और चॉकलेट हमारी थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो हम फिर से यही प्रोसीजर करेंगे। इसमें हम डालेंगे चॉकलेट और इसे हम वापस से स्प्रेड करके लेंगे। इसे हम वापस से अच्छे से स्प्रेड करके लेंगे, स्पेशली जो एजेस हैं उसे हमें अच्छे से स्प्रेड करके लेना है, जिससे कि ये अनमोल्ड करते वक्त हमारा टूटे ना। इसे हम वापस से 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे अभी स्ट्रेच कर लेते हैं, तो इसे हल्के हाथ से हमें इसे स्ट्रेच करना है। अगर आपको इस जगह पे कहीं भी ऐसा लगे कि ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, तो आप यही प्रोसीजर वापस से कर सकते हैं।
इसे बहुत सावधानी से हमें इसे स्ट्रेच करना है। थोड़ा सा हम इसे घुमा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना इजीली इस मोल्ड से ये शेल निकल जाता है। तो ऐसे ही हम दूसरा भी एक शेल बना के ले लेंगे। तो ऐसे ही प्रोसीजर करके हम इसे बना लेंगे। दोनों शेल हमारे बनके तैयार हैं। आप देख सकते हैं सिलिकॉन मोल्ड की वजह से ये कितने शाइनी बने हैं। तो हम अभी इसमें हमारे जो केक्स और चॉकलेट्स हैं उसको भर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लिया है और इस पे हम थोड़ा सा चॉकलेट लगाएंगे। बेस पे हमें चॉकलेट लगा के ले लेना है। और ये चॉकलेट लगाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारा ये पिनाटा केक सेट हो जाए और बिल्कुल भी हिले नहीं। फिर 5 मिनट के बाद हम इसमें रखेंगे ये जो हमने कपकेक लिए थे, इसको रख देंगे। ये काम बहुत सावधानी से और हल्के हाथ से करना है। यहाँ पे मैंने कुछ ओरियो बिस्किट्स भी लिए हैं तो वो भी रख देंगे। कुछ फरेरो रोशर के चॉकलेट्स हैं तो इसको हम इसमें रख देंगे। यहाँ पे मैंने चॉकलेट और कपकेक लिए हैं। आप इस जगह सिर्फ चॉकलेट या कोई गिफ्ट भी भर सकते हैं। आपका कोई बर्थडे या एनिवर्सरी हो तो आप इसमें रिंग भी फिल कर सकते हैं। कुछ चॉकलेट्स लिए हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पे जेम्स की ये जो गोलियाँ हैं उसको ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से चॉकलेट स्प्रिंकलर्स, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और इसे हम अभी कवर कर लेंगे। इसके लिए ये जो दूसरा हमने शेल बनाया है इसके ऊपर रखेंगे और इसे कवर कर लेंगे। अब इन दोनों को हमें स्टिक करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा चॉकलेट लेंगे और इसे हम स्टिक करेंगे जिससे ये स्टिक भी होगा और जो बीच में गैप है वो भी नहीं दिखेगा। हमने दोनों साइड में चॉकलेट लगा के केक को स्टिक कर लिया है और इसमें हम तुरंत ही इसके ऊपर हम ये लेस लगा देंगे। आप इस जगह सेटिन की जो रिबन है वो भी लगा सकते हैं, इससे ये जल्दी से चिपक भी जाएगी। इसी लेस से मैंने यहाँ पे एक नॉट बना के ले ली है। तो इसे भी हम थोड़ा सा चॉकलेट लगाएंगे पीछे के साइड से और इसे हम यहाँ स्टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने गार्निशिंग के लिए ये जो चॉकलेट के हर्ट्स लिए हैं उसको लगा लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा चॉकलेट लगाएंगे और इसके ऊपर ये स्टिक करेंगे। आप यहाँ जेम्स की गोलियाँ भी लगा सकते हैं। आपको जो पसंद है स्प्रिंकलर्स है आप उससे भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं या प्लेन भी रख सकते हैं। केक हमारा गार्निश होके तैयार है। तो इसे हम ब्रेक करने से पहले 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट कर लेते हैं और तब तक ये जो हम हैमर यूज़ करने वाले हैं इसे भी हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी है सरप्राइज पिनाटा केक। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। बच्चे तो इसे देखकर बहुत ही खुश होने वाले हैं। अगर आप अपनों को बर्थडे या एनिवर्सरी में सरप्राइज देना चाहते हो तो ये केक जरूर बनाए। तो इसे बनाइए और अपनों को खुश करिए। और ऐसी ही नई नई रेसिपी देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर।